बीस से पच्चीस हजार बार हो गया तुम्हारा, 55,000 रुपए से 60,000 रुपए। यहाँ पे रहने के बाद जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना स्टार्ट किया है, दैट इज अराउंड, तो मेरा महीने का होता है बाट मसाज पे खर्चा, तो मैंने तो 10 मांगे थे पर सासू माँ ने दिए 5 ही। डू आई पे यू एवरी मंथ? Yo, so welcome back to my vlogs. मेरा नाम है संजय सिंह रावत। और भैया खौहम गई है शार लेने के लिए, डैमी और मैं जा रहे हैं कॉफ़ी लेने के लिए। और भाई क्या शांति हो रखी है, हमारे सोसाइटी की यही बढ़िया बात है, एकदम शांति रहती है, ना बाइक ना कार किसी की आवाज़ नहीं आती है, परफेक्ट वीकेंड मॉर्निंग चल रहा है। बाकी खौहम की बात करें तो भैया खौहम सेठानी है, शार लेने के लिए भी उसको पूरा एकदम सलोन भेजते हैं, 500 बाट लगते हैं एक शार के, 1,500 रुपये का शार। भाई बिल्लियों के मजे हैं बता रहा, बिल्ली कुत्ते इन लोगों के मजे हैं, अपन तो साले बस दिहाड़ी लेके आ जाते हैं, खुद ही साबुन रगड़ते हैं अपनी छाती पे। जल्दी और उठ गया मैं रात को, मैं 3:30-4 बजे सोया, क्योंकि आजकल हम स्ट्रीम लेट कर रहे हैं, नया गेम आ रखा है स्पाइडरमैन 2 करके रिलीज हुआ था, तो रोज ही स्ट्रीम हो रही है, नींद है आँखों में, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर यू नो व्लॉग बनाना है जो बना रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे काम है, कॉफ़ी हेल्प करेगी तो कॉफ़ी ले रहे हैं पहले, और उसके बाद और क्या प्लान्स हैं हमारे। ऐसे होता है जब कम सोते हो ना तुम तो प्रोसेसिंग होती है जो दिमाग में वो बहुत स्लो हो जाती है, कॉफ़ी से फिक्स हो जाएगा पक्का। कल रात की स्ट्रीम देख रहा हूँ जस्ट फॉर चेकिंग पर्पसेस, और देखने में मज़ा आता है, स्पाइडरमैन इट इज अच्छा लग रहा है, अच्छी क्वालिटी रहती है स्ट्रीम की, आई एम सुपर हैप्पी। जो भी स्ट्रीम देखने आते हैं थैंक यू सो मच भाई, शॉट आउट टू ऑल, और जितने भी सपोर्ट दिखाते हैं, गिफ्टेड मेंबरशिप्स लेते हैं, गिफ्टेड मेंबरशिप देते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, डोनेशन देते हैं, शॉट आउट टू ऑल। आज रात भी करूँगा मैं स्ट्रीम को, स्पाइडरमैन आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पाइडरमैन भाई, गो सब्सक्राइब द चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाबा जिंदा है भाई, महारानी साहिबा आ चुकी हैं नहा के, शी स्मेल्स सो गुड, कम ऑन योनि। अरे भैया पिसलना बंद करो, एक तो बाबा दाढ़ी बनाते बनाते तुम लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग बताएगा बैंकॉक में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बाबा कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो तो आपने पहले भी बात बना रखा है, तो भाई पहले 2-3 साल पहले बनाया था, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत चेंज हो चुकी है मेरी 2 साल और 3 साल पहले से, तो मैंने सोचा वीडियो काफी जरूरी होगा बनाना। और यूपीएससी के एग्जाम में भी आ गया कि बाबा का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है बैंकॉक में, तब क्या करोगे हैं, तब थोड़ी ना बहाने चलेंगे कि सर पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नहीं। तो पहली चीज आती है जो मोस्टली जब कोई भी बंदा अपना देश छोड़ के कहीं और काम करने जाता है और वहां पर रहता है, दैट इज रेंट, फर्स्ट चीज, और मोस्टली वही सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होती है जब तुम यू नो बाहर रहते हो, रेंट करते हो। तो रेंट की बात करते हैं, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता ही दिया, बाबा रेंट नहीं देता क्योंकि बाबा दिमाग वाला बंदा है, बाबा ने बंदी ऐसी चूज किया जिसके पास घर है ऑलरेडी, समझ रहे हो खेल, समझ रहे हो किस लेवल का खेलता हूं मैं, तो रेंट जरूरत ही नहीं है देने की बाबा को। पहले मैं रेंट देता था 20-22 हजार बाट 1-2 साल तक, उसके बाद डैमी ने घर खरीद लिया मेरी फियांसे ने, और उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब रेंट देने की जरूरत है नहीं, तो 0 अंडा फॉर रेंट, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है भाई, 20,000 बाट मतलब कि 45,000 रुपीज से 50,000 रुपीज के बीच में मैं रेंट देता था पर मंथ, और अब एकदम जीरो, तो वो 50,000 रुपए सीधे बच गए, बचत। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंकॉक टिल नाउ जीरो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जिससे भैया ये चीज चार्ज होती है, ज्ञान ऐसे दे रहा हूं मैं ये वाला। पहले जब मैं अपार्टमेंट में रहता था तो वहां पे यूनिट होती थी, पर यूनिट इज हायर, वो हर जगह होता है ठीक है, और जब घर में रहते हो तुम, इंडिया देख लो किसी भी देश में देख लो, तो यूनिट कम होती है। तो मैं रेंट यहाँ पे रहने के बाद जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना स्टार्ट किया है, दैट इज अराउंड 2,000 से 2,500 बाट मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने, कभी कभी 3 तक भी पहुंच जाता है, पर 3 से ऊपर कभी गया नहीं है, 3 के अंदर अंदर ही रहता है, फिर भी 2.5 का लेके चलो, 2,500 बाट का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। और इस वाली जगह पे जहां पे मैं पहले रहता था वहां पे तो भाई आता पता ही नहीं था, वहां पे तो कभी 3 आ रहा है, कभी 3,500 बाट आ जा रहा है, एक बार तो मेरा 4,000 बाट भी आया था भाई, 4,000 बाट का मतलब हो गया तुम्हारा लगभग 9,000 रुपए का
इलेक्ट्रिसिटी बिल, जबकि मैं अकेला रहता था पहले, फिर डैम ही रहने लग गई साथ में, दो जनों का 9000 रुपए बिल। तो वहां की तो बात ही छोड़ दो अपार्टमेंट्स की, तो वहां पे तो यूनिट्स हाई होती हैं, पर यहाँ पे कम है, तो मेरा 2500 एवरेज निकाल लो, 2500 वाट का बिल आता है महीने का, तो 5-5500 रुपए का बिल, 5500 रुपए का बिल आता है महीना रुपीस में। अभी तक का हमारा टोटल हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैंकॉक 5500 रुपए। भाई मस्त, तुम्हारा बाबा रेडी हो चुका है, बैटमैन का कच्छा पहन लो, देख गया, क्योंकि मैंने वाइड एंगल नहीं लगाया ना, तो पता नहीं है कि दिखेगा नहीं दिखेगा, तो मैंने दिखा दिया, बैटमैन का कच्छा पहन रखा है। और हम लोग जा रहे हैं डिनर पे बाहर, मोस्टली नॉट मोस्टली, हमेशा वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे नाइट हम लोग बाहर ही खाते हैं। अब जब डिनर की बात हुई है, फूड की बात हुई है, तो बात कर लेते हैं फूड एक्सपेंसेस की। वो तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग का, और बैंकॉक में मैं कहूँगा कि फूड इन कंपेयर टू अदर प्रोवेंसेस लाइक पटाया और ये सब सबसे महंगा है, पर ओवरऑल देखूँ तो मुझे इतना महंगा लगता नहीं है, क्योंकि अगर तुम यूरोप और यूएसए इधर इधर साइड की बात करो, अमेरिका की, तो भैया वहाँ पे तो भट्टा बैठ जाता है बाहर खाने में, तो लोग वहाँ पे घर पे ही बनाना पसंद करते हैं, हम लोग कभी भी घर पे खाना बनाते ही नहीं है, या तो बाहर से लोकल रेस्टोरेंट से पैक करा के लाते हैं वीकडेज पे जब टाइम नहीं होता है, ऑफिस से थके आ रहे आते हैं, और या तो ज़्यादातर हम लोग बाहर ही खाते हैं। भाई बाहर का तो खाते ही हैं, पर नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाके खा के आते हैं, जो कि तुमने अभी वीडियो के स्टार्ट में भी देखा कि हम लोग वो बर्गर खाने गए थे। तो देखो फूड एक्सपेंसेस ऐसी चीज़ है जिसको कैलकुलेट करना इट्स वेरी हार्ड, ठीक है, तो मैं तुम्हें अप्रॉक्स बता देता हूँ, मेरा आराम से 20-25 हज़ार बाट महीने का खाने पे लगता है, उसमें बाहर से पैक करा के घर पे ला रहे हैं या तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खा के, और रेस्टोरेंट में जब भी हम जाते हैं खा के तो तुम एवरेज ले लो 1.5 से 2 हज़ार बाट तो लगने ही है दो जनों के, और अगर साथ में कोई चले गया, जैसे डैमी की मम्मी को उसके उनके बर्थडे पे ले गए थे और ये सब अभी जो व्लॉग्स देखे थे तुमने पहले, तो फिर 3 तक भी पहुंच जाता है, 3-3.5 हज़ार बाट का। तो मैं तुम्हें बता दूं कि 20-25 हज़ार बाट मेरे महीने के खाने पे लगते हैं, जो कि इट्स नॉट बैड, बिकॉज यू नो अपन ये तो ये लाइन तो तुमने सुनी होगी कि अपन कमाते क्यों है इतना। बारिश हो गई स्टार्ट सर, अभी तक तो बिल्कुल ये पता बैंकॉक में यही है, पता ही नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है मौसम, एकदम से धर 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 बारिश स्टार्ट हो जाती है। 20-25 हज़ार बाट मेरा लगता है, जो कि इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज अपन कमाते किस लिए, खाने के लिए ना, तो बस उसी लिए। तो 20-25 हज़ार बाट हो गया तुम्हारा, 55 हज़ार रुपए से 60 हज़ार रुपए मेरा खाने पे लगता है हर महीने का। और हाँ, ये है मेरे फूड एक्सपेंसेस। और बैंकॉक में मैं तो हार्डकोर नॉन वेज हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर तुम शाकाहारी हो, शुद्ध शाकाहारी, तो मेरे ऑफिस में हैं शुद्ध शाकाहारी लोग, दिक्कत आती है भाई उनको थाईलैंड में रहने में, क्योंकि मिल जाता है वेजिटेरियन खाना, पर फिर तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट से ही कराना पड़ेगा या फिर उधर से कराना पड़ेगा जहाँ पे वेजिटेरियन बनता है। शुद्ध शाकाहारी का मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो कि भाई जिनको बिल्कुल रेस्टोरेंट भी शुद्ध शाकाहारी चाहिए, ऐसे नहीं कि नॉन वेज रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके वेज ऑर्डर कर लिया और फिर खा लिया, नहीं, रेस्टोरेंट भी एकदम शुद्ध शाकाहारी चाहिए, तो उनके लिए और भी महंगा पड़ता है, क्योंकि फिर यू नो महंगा भी पड़ता है और फिर उनको ढूंढना भी पड़ता है, और मोस्टली वो घर पे खाना बनाते हैं फिर एंड। तो अगर शुद्ध शाकाहारी हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हाँ, मेरा एक्सपेंसिव 55 से 60 हज़ार रुपए महीने का खाने पे। तो जो नेक्स्ट मोटा मोटा खर्चा होता है तुम्हारे बाबा का, दैट इज मसाज। एज आई टोल्ड यू गाइज ऑलरेडी, मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। चाहे से तुम्हारा बाबा इज सुपर बिजी इवन ड्यूरिंग वीकेंड्स, फिर भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ मसाज के लिए, बिकॉज हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है भाई। तो अभी जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं मसाज ही जा रहा हूँ, अब मतलब देख के पता नहीं चल रहा मसाज जा रहा हूँ, पर समझ गए तुम लोग मैं मसाज जा रहा हूँ, मसाज के लिए जा रहा हूँ घर के पास ही। पहले तो मैं बता चुका हूँ, दो जगह मसाज में जाता हूँ, एक जगह पहली है जो ऑफिस के पास है जहाँ पे हम लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, और दूसरी है जो मेरे घर के पास है, दूसरी मसूस, वहाँ पे मेंबरशिप नहीं रखी है, वहाँ पर मसाज पेमेंट करता हूँ। आज थोड़ा टाइम मेरे पास है तो 1.5 घंटे की मसाज लूँगा, नॉर्मली मैं मैक्सिमम 1 घंटे की मसाज लेता हूँ। हम पहुँच चुके हैं हमारी मसाज, मेरा 3:10 का अपॉइंटमेंट है, पर पार्किंग है नहीं साला यहाँ पे, आज लगा रखा है इन लोगों ने यार, ये क्या चक्कर है। 3:10 का मेरा मसाज का अपॉइंटमेंट है और 3:10 हो चुका है, तो पहले मैं मसाज लेता हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं महीने में कितना खर्च करता हूँ मसाज पे। पहुँच गए जी। Only one. No Dami today. This or this? This. This?
मसाज भी हो गई हमारी और अब सारी बाइकें निकल गई जब मैंने पार्क कर दिया। खाली दो खड़ी हुई हैं भाई। ये जो महसूस दीदी हैं वो रगड़ देती हैं, एकदम खतरनाक ताकतवर हैं, हट्टी कट्टी हैं और एकदम भाई सब कुछ तोड़ देती हैं। मतलब मसल्स छोड़ो तुम, हड्डियों तक टच हो जाती है उनकी कोनी। ज़्यादा ताकतवर है यार कुछ पर, इसलिए मैंने चूज़ किया था उनको, क्योंकि ताकत है दीदी में, अच्छा मसाज देती हैं। मज़ा आ गया भाई मसाज लेके, नींद आ रही है अब। तो जो मेरा पहला मसाज पार्लर है जो ऑफिस के पास है, वहाँ पे हम लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, तो उसका थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा या फिर पता नहीं जो भी है। और यहाँ पे मैं पर मसाज के हिसाब से देता हूँ और एक्स्ट्रा टिप विप भी देते हैं यू नो मसाज के बाद। तो तुम लमसम लेके 1000 baht मान लो एक मसाज सेशन का, तो मेरा महीने का होता है 10,000 baht मिनिमम मसाज पे खर्चा। तो मान लो 24-25 हज़ार रुपये महीने का जाता है ये मेरा मसाज पे। पर बहुत ज़रूरी था भाई, मेरी तो पूरी बैक फिक्स हो गई इस वजह से। अब निकलते हैं घर पे और तुम्हें बताता हूँ बाकी एक्सपेंसेस के बारे में। अब जो नेक्स्ट एक्सपेंस आता है वो है वाटर बिल, जो कि बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ही है मेरा। ये तो जल्दी से हो जाएगा, 100 baht के अंदर ही आता है हमेशा बिल। कभी मेरा 100 baht से ऊपर आया नहीं, तो 250 रुपये मान लो महीने का पानी का। तो जो नेक्स्ट एक्सपेंस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा हो सकता है बैंकॉक में, और मैंने इजिली 2.5 से 3 साल नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, जो नॉर्मल टैक्सीज हैं, BTS है जो ट्रेन होती है यहाँ पे, मेट्रो टाइप, ये काफ़ी यूज़ करी है मैंने। 2.5 से 3 साल तक मैंने यही यूज़ किया था और भाई काफ़ी खर्चा होता है। टैक्सीज मुझे महंगी लगती थी, BTS भी महंगी है क्योंकि प्राइवेट है BTS पूरा, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। और अब हर साल ये लोग रेट भी बढ़ा रहे हैं धनाधन। अब तो मुझे पता नहीं है क्या रेट हो चुकी है क्योंकि अब मैंने बाइक ले ली है। तो जब से मैंने बाइक ली है तब से बहुत ईजी हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन मेरा इधर उधर ट्रैवल करना, क्योंकि अब हम मोस्टली यू नो बाइक लेके निकल पड़ते हैं। और पेट्रोल महंगा नहीं है यहाँ पे, पेट्रोल है कितना, 1 liter 37 baht का पड़ता है यहाँ पे पेट्रोल, तो वो हो गया आपका 80 रुपये मान लो, 80 रुपये का लीटर है, तो ज़्यादा महंगा है नहीं यहाँ पे पेट्रोल भी। और मेरा महीने का अगर, क्योंकि मैं पेट्रोल का ही प्राइस मेरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। ऑफिस भी मैं बाइक में जाता हूँ, ऑफिस से आता बाइक में हूँ, कहीं घूमने जाना होता है हम लोगों को बैंकॉक में बाइक में जाते हैं। BTS तो एक तरह से ना के बराबर ही हो गई है, और पहले तो भैया पहले तो हालत ही ख़राब थी। 64 baht का टिकट हो रखा है, अभी 62 या 64 baht का हो रखा है टिकट ऑफिस जाने तक का मेरे यहाँ से। मैं पहले ऑफिस में BTS से जाता था, 64 जाना 64 baht आना, ठीक है। उसके बाद बाइक लेना घर तक आने के लिए, यहाँ से स्टेशन तक के लिए बाइक लेना, तो इन टोटल रोज का ही 400-500 baht तो यूँ हो जाता था मैं। उससे अब बाइक में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचत है, बहुत ज़्यादा बचत है खुद की बाइक होने का। ट्रांसपोर्टेशन केवल पेट्रोल का खर्चा होगा मेरा, दैट इज़ 5,000 to 5,500 rupees। नेक्स्ट आता है ग्रोसरीज, जो कि तुम्हें हमारा किचन दिख रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यूँ ये फ्रेंच फ्राइज कभी बनाने होते हैं डैमी को फ्रायर में तो उसमें बना लेती है, टमाटो केचप, ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं तुम्हारे हमारे किचन में, क्योंकि हम कुछ बनाते ही नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है घर पे खाना नहीं बनता है, बाहर से लाते हैं, बाहर जाते हैं खाने के लिए। तो ग्रोसरीज मैं केवल काउंट करूंगा कि शैम्पू लिया है, सोप लिया है, क्रीम हो गई, बिंदी लिपस्टिक हो गई, है ना, ये सब चीज़ों का खर्चा तो मेरे को पता नहीं है कितना खर्चा होता होगा। तुम मान लो महीने का 1 से 1.5 हज़ार baht मैक्स इन चीज़ों का, और उसके अलावा तुम्हें दिख रहा है कुछ है नहीं हमारे किचन में, खाली पड़ा हुआ है। और यू नो स्नैक्स होते हैं जो कि मैं आते खा लेता हूँ, बस नूडल्स पड़े हुए हैं, पॉपकॉर्न पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो याकूत पड़ा हुआ है, लेटस पड़ा हुआ है, सैलड रोज मैं खाता हूँ, चिकन पड़ा हुआ है थोड़ा, चिकन और सैलड रात को, ये तो मील होती है डिनर में, कि एक ये एडिशन तो हमने कर रखा है जो कि बहुत अच्छा है, टमाटोज क्यूकम्बर सब कुछ डाल के खा लेते हैं। डैमी का ओट मिल पड़ा है, अंडे पड़े हुए हैं, सैलड ड्रेसिंग पड़ी हुई है, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ये यूज़ करना सीजर सैलड खाते हो तो, ये सब है, बटर पड़ा, मतलब इतना कुछ नहीं है ग्रोसरी का। तो मान लो तुम महीने का 1 से 1.5 हज़ार baht मान लो, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होता है, तो 1 से 1.5 हज़ार baht हो गए 3,000 रुपये का, मान लो 3,000 रुपये। अब जो नेक्स्ट मेरा खर्चा बताऊंगा, जो कि सबका होता है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसके फिजूल के खर्चे नहीं होते, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। मेरे तो कुछ ज्यादा ही होते हैं क्योंकि मैं बड़ा इंपल्सिव आदमी हूं, अगर मुझे एक दिन कुछ चीज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि मुझे फिर नहीं चाहिए, अगले दिन वो मेरा मूड चेंज होता है, मुझे चाहिए कुछ भी होता, मतलब मैं फिजूल के खर्चे तो मेरे बहुत होते हैं। जो लोग मेरे क्लोजली व्लॉग्स देखते हैं, तुम लोग देखते हो, मैं बहुत चीज़ें ऐसे ही खरीद लेता हूँ बिना सोचे समझे, जैसे कि ये मैंने मेरा कंप्यूटर सेटअप जिसमें मेरी स्ट्रीमिंग होती है, अगेन सब्सक्राइब द चैनल बाबा जिंदा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खैर
हमेशा मैं प्रमोट करता रहता हूँ। तो ये सेकंड स्क्रीन लेने की इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी जरूरत नहीं थी। मेनली मैंने ये सेकंड स्क्रीन 2K स्क्रीन इतनी बड़ी साइज की 27 इंच की केवल चैट पढ़ने के लिए ली है कि लाइव स्ट्रीम में तुम लोग चैट करते हो तो बड़ा बड़ा मैं पढ़ पाऊं, केवल इसलिए। कोई सेंस बना इस बात का? नहीं। स्ट्रीमर्स के नॉर्मली 2 स्क्रीन होती हैं तो बाबा के क्यों नहीं, वो वाली बात। एक्सपेंसेस ऐसे ही कभी कुछ और ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी वो, मैं लेता रहता हूँ कुछ ना कुछ। इजिली मैं 10,000 बाट तो महीने का कहूंगा एक ही फिजूली खर्ची मैं कर देता हूँ, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिला के तो ये मान लो 25,000 रुपए महीना उड़ जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छोटी मोटी या बड़ी चीजें खरीदने में। दैट इज माई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मिनिमम 10,000 पर। ये थे मेरे मंथली एक्सपेंसेस। अब जिससे पहले मैं तुम्हें लास्ट, एकदम लास्ट क्वेश्चन का जवाब दूं, जो टाइटल भी है शायद से, कि जैमी जी को हम कितना पेमेंट करते हैं, उससे पहले मैं पूछ लूं तुम लोगों से कि कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है तुम्हारे बाबा से, कोई भी एक्सपेंस मिस हो गया है तो कमेंट डाउन बिलो, वहाँ पे मैं कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी पूछना है तुम्हें कि बाबा ये चीज़ का खर्चा तो तुमने बताया नहीं, ये एक्सपेंसेस तो बताया नहीं, हो सकता है मिस हो गए हो मुझसे, क्योंकि इंसान है ना बाबा, हो जाती हैं गलतियाँ। तो कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि पूछो मुझसे कि ये वाला एक्सपेंस कितने का है, तुमने ये मिस कर दिया बाबा, प्लीज़ बताओ, तो मैं बता दूंगा। लाइक बटन ठोको, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तुम्हार को हेल्प मिली तो लाइक बटन ठोको, शेयर करो जिससे बाकी भाइयों को भी बहनों को भी मदद मिले इस वीडियो से। हाँ जी, तो भैया लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि डैमी जी, द लास्ट क्वेश्चन दैट डू आई पे यू एवरी मंथ, देख लो उसकी मुंडी हिल रही है, नहीं मैं कुछ पेमेंट नहीं करता हूँ डैमी का। डैमी अपना बढ़िया कमा रही है, बहुत अच्छी सैलरी है डैमी की, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपने अपने खर्चे करते हैं, वी पे फॉर आर सेल्फ, और यू नो कभी बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं थाईलैंड में ऐसा बहुत है कि लड़के थाई लड़कियों के खर्चे पूरे उठाते हैं उनके रेंट देने तक, और उससे भी तगड़ी बात बताऊं मैं तुम लोगों को, केवल यहाँ पे रहते हुए नहीं, सोचो तुम लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आए हो एज अ टूरिस्ट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हॉलीडे गर्लफ्रेंड, तुम चले गए अपने वापस से, उसके बाद भी मैं बहुत से ऐसे फॉरेनर्स हैं, ऐसे लौटे हैं जो मुझे पता है, मेरे ऑफिस में भी हैं, जो यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट आए थे, अपनी कंट्री में वापस चले गए, फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड के खर्चे उठा रहे हैं, पूरे शैम्पू बिंदी लिपस्टिक रेंट सब पे कर रहे हैं अपनी कंट्री में रहते हुए। अभी तक ऐसा होता है पर हमारे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, वो अपना खर्चा खुद उठाती है, मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। अब डैमी, गिव मी अ वेरी गुड थंबनेल, एक्ट लाइक यू आर अ गोल्ड डिगर। डैमी की मम्मी से कड़क कड़क नोट भी लाए, 1,000-1,000 बांटे, 5,000 बांटे हैं, 12,000-12,500 रुपए कैश बाबा रखता नहीं है, ना ही डैमी के पास कैश है, सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, पर बुड्ढे लोग, ओल्ड जनरेशन कैश हमेशा रखते हैं, राइट, ओल्ड जनरेशन ऑलवेज कीप कैश विद देम। ये देख लो, तो मैंने तो 10 मांगे थे पर सासू माँ ने दिए 5 ही, उनको भरोसा नहीं है लौटाएगा नहीं लौटाएगा। डू वी हैव टू रिटर्न इट ओवर? और अब तुम लोग ये भी सोच रहे होगे, देवंत सिंह, लाइक व्हाई दे आर गेटिंग रेडी, दे आर एट होम। नहीं भाई, हमें बाहर जा रहे हैं, एक बहुत बढ़िया बार में जा रहे हैं जिसका ब्लॉग तुम लोग नेक्स्ट देखोगे, तो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हो चैनल पे तो कर दो, लाइक बटन ठोक दो, थंबनेल क्लिक करते हैं और निकलते हैं, देख लो पूरा रेडी हो रखा हूं, डैमी मस्त रेडी हो रखी है, निकलना है, जैसा भी निकलना है, सनसेट देखना है, सनसेट बड़ा प्यारा होता है, तो जो भी है, ओके, कड़क नोट हाथ में, लुक एट द मनी डैमी, They should think you are a gold digger. कोई ना, उसकी उसकी माँ के लिए पैसे पैसे। दारू की पैकेजिंग में तो हम कॉफी ले जाते हैं, ऐसे तो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, देख लो तुम। दारूडिया बाबा इज बैक। She was already sitting here. भाई सूटकेस पे बैठी पूरी, मुझे भी हांगकांग ले जाओ, शी इज लाइक दे गोना लीव मी बिहाइंड, हांगकांग 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 कॉम हांग और हांगकांग, यू लाइक शट द फक अप।